बात कर लेते हैं। हरियाणा में मची सियासी हलचल की, तो लगातार हरियाणा में सियासी पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। जब से तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, तब से विपक्ष दल सत्तारूढ़ पार्टी पर हावी हो गया है। अब विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उधर भूपेंद्र हुड्डा ने बहुमत का पूरा गणित ही समझा दिया, लेकिन इन सबके बीच जेजेपी के तीन से चार विधायकों का पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करना जेजेपी में बगावत की सुगबुगाहट को फिर से तेज कर रहा है। ऐसे में सरकार गिराने का दावा कर रही विपक्षी पार्टियां कितनी मजबूत या एकजुट है, ये बड़ा सवाल है। तो हरियाणा में जो सियासी हलचल है उससे जुड़ी ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तीन निर्दलीय विधायकों ने पहले बीजेपी से समर्थन वापस लिया, कांग्रेस के साथ गए। अब सरकार के अल्पमत में होने का दावा जो है तमाम विपक्षी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस। राज्यपाल के फैसले का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल ये है कि राज्यपाल के पास अब विकल्प क्या क्या है। जेजेपी विधायकों के बगावती तेवर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा अंकगणित समझा रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्या कुछ हो सकता है इसके बाद, और किस तरह से विधायक यहां पर पार्टी के पास हैं, कांग्रेस, जेजेपी, तमाम तरह के हलचल जो है देखने को मिल रही है, लेकिन जेजेपी विधायकों के बगावती तेवर भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तीन तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिस बात को जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि राज्यपाल के पास क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो ने मांग की है और यहां पर कांग्रेस ही कहती हुई नजर आ रही है कि राज्यपाल हमें वक्त दे, बातचीत करे, इस पूरे मामले पर ध्यान दे। जेजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है, इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया कि वो बहुमत साबित कर देगी, और इनेलो दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है। हमारे साथ विदु रावल जी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विदु जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो ये कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस राज्यपाल से समय मांग रही है, जेजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है, इनेलो राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कृपया लाइन पर। विदु जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हरियाणा में सियासी पारा हाई है, तीन निर्दलीय विधायक जब से बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेते नजर आए और कांग्रेस के साथ गए, उसके बाद से ही कई तरह के समीकरण है जो सामने आ रहे हैं। विपक्ष दल सत्तारूढ़ पार्टी पर हावी होता नजर आ रहा है। विपक्षी नेता एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उधर भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि बहुमत का पूरा गणित उन्होंने समझा दिया, लेकिन इन सबके बीच जेजेपी के तीन से चार विधायकों का पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करना जेजेपी में बगावत की सुगबुगाहट को तेज कर रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे में सरकार गिराने का दावा विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। अब सबसे अहम बात यह है कि क्या फ्लोर टेस्ट की बारी आई है, विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये बड़ा सवाल है। जेजेपी विधायकों की पूर्व सीएम से खास मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाए। चलिए विदु रावल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय गुलिया जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विदु जी सबसे पहले मेरा यह सवाल कि जेजेपी विधायकों की पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए मुलाकात के, क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। अजय जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जेजेपी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, क्या जेजेपी से नाराज है ये विधायक? नहीं राजश्री जी, देखिए इस बात की पुष्टि मैं तो नहीं करता कि उन्होंने मुलाकात करी है कि नहीं। वीडियो देखिए सर। नहीं देखिए, वीडियो तो कुछ पहले की भी आ सकती है, बाद की भी आ सकती है, और करीब उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए कयासों से ना तो सरकारें बढ़ा सकती और ना गिरा सकती। ये तो संविधान में है, बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्लोर टेस्ट होगा, जिसके पास संख्या बल होगा वो सत्ता में रहेगा और जिसके पास संख्या बल नहीं होगा वो सत्ता में नहीं रहता।
और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्यपाल महोदय को लिख करके दे दिया है। तो ये जो विधायक हैं वो बार बार क्यों मुलाकात करते हुए नजर आते हैं? जब शपथ कार्यक्रम हुआ, आप लोगों का गठबंधन टूटा, आप लोगों ने दूरी बनाई, लेकिन कुछ विधायक तो पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण में। अभी पूर्व मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, हरियाणा न्यूज देखिएगा जरूर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जोगीराम सियाग वहां पर नजर आ रहे हैं और नाराज भी है काफी समय से। देखिए, उन्होंने मुलाकात करी, बात करी, नहीं करी, वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे? ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे, किसके खिलाफ मतदान करेंगे। तो सरकार क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए? ठीक है, यानी कि अगर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि 10 के 10 विधायक पूरे के पूरे हैं, तो ये क्या मानकर चले कि पूरे के पूरे हैं विधायक? बिल्कुल पूरे के पूरे विधायक, जननायक कहेगी पार्टी का जो निर्णय होगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे, और ये तो तभी तय हो पाएगा ना। मैं कहूंगा पक्ष में मतदान करेंगे, विरोधी दल कहेंगे नहीं करेंगे। चले, लेकिन जो मुलाकात हो रही है उसे औपचारिक तो नहीं कहा जा सकता, कुछ तो मायने जरूर निकलेंगे अगर जो विधायक वो पहुंच रहे हैं और कई बार आपकी पार्टी में रहते हुए भी खुलकर बयान देते हुए नजर आए हैं। नहीं देखिए, हो सकता है कोई अपनी संभावना की पुष्टि नहीं करूंगा, मैं तो इस बात की पुष्टि करूंगा कि जननायक जनता पार्टी ने गवर्नर महोदय को लिख करके दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी लिख करके दिया है। ठीक है, एनएलओ ने भी यही लिख करके दिया है। अब गवर्नर महोदय को तय करना है कि प्रोटेस्ट कराए, कब कराए, क्या तैयार में है। चलिए विदु जी से बात कर लेते हैं, विदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हैं जेजेपी के विधायक, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित तिवारी जी, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अजय गुड़िया तो साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ और बात हुई होगी मुलाकात की, लेकिन जेजेपी विधायकों का पूर्व सीएम से मिलना क्या दर्शाता है? अगर बात सबसे अहम यही है कि अजय गुड़िया जी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत है। केवल पार्टी की बात करेंगे, पार्टी के विरोधी जो गतिविधियां हैं उन पर वो दृष्टि डाल भी नहीं सकते, विधियां हैं उन पर वो दृष्टि डाल भी नहीं सकते और ना ही वे उनके जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन जो अगर पूरी अगर स्थिति देखी जाए इस समय, तो मैं बार बार इस प्रत्येक चर्चा में इस बात का उल्लेख करता हूं कि किस प्रकार से जेजेपी इस समय जो है वो अपनी ही भीतर घात से जूझ रही है। हाँ। अपने संगठन को बचाने के लिए कश्मकश कर रही है और साथ साथ जो जेजेपी के विधायक हैं उनके जिस प्रकार के सुर हैं, बागी सुर हैं, उनको लेकर वो अंकुश भी नहीं लगा पा रही। और देखिए, जब सरकार अल्पमत में आई तो जेजेपी को अपने विरोधी पक्ष का होने की, अपने विपक्षी होने का जो है वो फर्ज अदा करना था, इसलिए उन्होंने एक तरह से औपचारिक तौर पर लिखकर दे दिया है। अब यह बात यह है कि राज्यपाल ने देखना है कि वो किस विधायकों की संख्या बल को किस रूप में देखते हैं, क्या वो विरोधियों के तमाम जो एकजुट अगर वो होते भी हैं तो वो उनकी परेड करवा सकते हैं, हस्ताक्षर युक्त जो है पत्र मंगा सकते हैं विधायकों के, लेकिन ऐसी स्थितियां लग नहीं रही है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जेजेपी के विधायकों की बैठकें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब 2-3 दिनों की जो घटनाक्रम हुआ है, जो सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है सरकार के अल्पमत में आने के बाद, उसको लेकर इस मुलाकात का काफी महत्व है। और देखिए, देवेंद्र बबली तो कह ही चुके हैं कि 11 मई को वे अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। और साथ साथ बात करें तो रामनिवास सुरजाखेड़ा पहले से ही भाजपा की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। योगीराम सियाग जो है वो हिसार क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के लिए। तो इस तमाम परिस्थितियों के बीच में देखिए जेजेपी की स्थिति काफी विकट है। ठीक है, इसमें अमित जी एक सवाल ये भी उठता है कि मान के चलिए अभी आपने भी देखा होगा जेजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि जनता थोड़ी नाराज तो है। अगर कांग्रेस और जेजेपी का, चलिए मान के चलिए कि अगर ये सरकार को गिराने को लेकर बातचीत करते हैं या एकजुट होने की बात भी करते हैं, तो क्या जनता और नाराज नहीं होगी? कांग्रेस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं? राजश्री, सबसे निश्चित रूप से देखिए, राजश्री सबसे अहम बात है
कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, उन्होंने 4.5 साल तक सत्ता सुख भोगा, लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा अगर देखिए बीजेपी को उतना खामियाजा शायद उठाना ना पड़े, जेजेपी का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। और गठबंधन टूटने के बाद, और पहले भी किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा था, और अब गठबंधन टूटने के बाद उनकी स्थिति काफी विकट हो गई है, क्योंकि किसानों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, और खुद नैना चौटाला भी जिस गांव में, कई गांवों में प्रचार करने गई है, वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है, और अपने पदाधिकारियों का विरोध झेलना पड़ रहा है, वे इस्तीफा देकर जा रहे हैं, विधायक नाराज हैं। तो कुल मिलाकर आज की राजनीतिक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जो अगर परीक्षा की घड़ी है, अस्तित्व बचाने का संकट है, जो चुनौती झेलनी पड़ रही है, वो जननायक जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, उनके नेताओं को झेलनी पड़ रही है। वे बाहर निकलते हैं तो वहां विरोध झेलना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां हैं। और अब देखिए कांग्रेस की आपने बात की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार गिराकर कुछ महीनों के लिए अपनी सरकार बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि देखिए जननायक जनता पार्टी पहले ही गठबंधन से अलग हुई है, तो वो उनके साथ मिलकर गठबंधन करके सरकार बना ले, ऐसा शायद कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते होंगे। और उन्हें उम्मीद है इस बार कि हरियाणा विधानसभा में वे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सरकार में आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में 2-3 महीने के लिए सरकार गिराकर वे अपने ऊपर एक कलंक नहीं उठाना चाहेंगे, और यही कारण है कि शायद सारे सरकार बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत ज्यादा इस पर एसआरके की तरफ से भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस अब लग गई है, लगी हुई नजर भी आ रही है। ठीक है, आगे आपके पास मैं आऊंगी। नेहा धवन जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पहले बातचीत हो रही थी, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि 10 के 10 विधायक एकजुट हैं उनके, लेकिन कुछ विधायक जो हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है, शपथ ग्रहण भी हुआ था तब भी वो पहुंचे थे, तो क्या कुछ कहेंगे इस मुलाकात को, हम किस तरह से देखें? राजश्री जी, आज जो हरियाणा प्रांत के अंदर राजनीति का जो भी व्यवहार आपके सामने आ रहा है, जनता के सामने आ रहा है, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि अभी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, जो मुख्य राजनीति नहीं है, वो प्रेजेंट सिनेरियो की जनता के मन की राजनीति नहीं है। विकास कितना हुआ कितनी नहीं हुआ इस पर राजनीति नहीं हो रही है। एक कुंठित मानसिकता के तहत केवल और केवल छेटाकशी की जो राजनीति है वो चारों तरफ से देखने को मिल रही है। आज अगर हम बात कर रहे हैं सरकार को गिराने की, आप ये पूछिए कि कांग्रेस भी इस बात में मजे ले रही है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस समझ के साथ, जेजेपी की इस समझ के साथ नहीं खड़ा मिलेगा, और प्रत्येक राजनीतिक पृष्ठभूमि और विचारधारा का व्यक्ति ये आंक सकता है, ये आंकलन कर सकता है कि इसमें पूरा पूरा नुकसान जो है वो जेजेपी का है। इसीलिए शायद कांग्रेस के नेता भी जेजेपी को आगे लगने के लिए कह रहे हैं, और वो उनके कंधे पर रखकर बंदूक बांधकर खड़े हैं। इसमें उल्लू सीधा करने वाली तो कांग्रेस है, और बलि का बकरा बनने वाली जेजेपी है। जेजेपी ये राजनीति करते हुए जनता में भ्रम फैलाने के लिए, गलत नजरिए सेट करने के लिए शगुफा तो छोड़ दिया, लेकिन अक्षय जी इसमें कल ग्राउंड आपको भी पता है, एक 4.5 साल तक तो आपके साथ भी थी, 4.5 साल तक तो जेजेपी बीजेपी के साथ भी थी। मैंने उनके पिछले कार्यकाल पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जो 4.5 साल तक हमारे साथ में रहा वो समय बीजेपी ने भी काम किया और बीजेपी ने भी उनके साथ मिलकर काम किया। हमने जन कल्याणकारी नीतियां बनाई, चाहे वो केंद्र की क्रियान्वित की और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की थी, उस कार्यकाल में कोई डाउट नहीं है ना। मैं उस कार्यकाल में, अभी हुड्डा जो बार बार अंक गणित समझा रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हुड्डा जी, अगर अंक गणित समझा रहे हैं तो जेजेपी को आगे लगने के लिए क्यों कह रहे हैं, आगे क्यों नहीं लगते? अगर ऐसा अवसर क्या पहले हुड्डा जी को कभी नहीं मिला? उन्होंने वो अवसर किस तरह से कैश किया आप भी जानती हैं। पुराने समय में आपने देखा किस तरह से हुड्डा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे, दूसरे गेट से किसी की एंट्री कराई और दूसरे गेट से खुद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर शपथ लेकर बाहर निकल गए थे। ऐसा मौका अगर हुड्डा जी को आज भी दिखता है तो क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बात से चूक जाएंगे? लेकिन अगर वो जेजेपी को आगे लगने के लिए, दुष्यंत जी को आगे लगने के लिए कह रहे हैं, तो इसका साफ साफ यही बात आती है कि इस बार
कोई फायदा नहीं है। ठीक है बजरंग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बजरंग जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कुछ कहेंगे अगर जेजेपी के विधायक आपके साथ आते हैं तो क्या कांग्रेस साथ जाएगी उनके? श्री जी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी ने साढ़े चार साल तक जनता को लूटने और ठगने का काम किया और मलाई खाने का काम किया और महकमे बांटकर जीने का काम किया, पूरा हरियाणा जानता है। आज भी दावे के साथ कहता हूं ये सिर्फ एक ड्रामा कर रखा है। क्या ड्रामा है? तू चल मैं आया, मैं चल तू आया। तो अभी आप लोग भी तो यही कर रहे हैं, सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो यही कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, नहीं हमने कद कहा, हमने कद कहा हम सरकार तोड़ने जा रहे हैं, हमने एक बात कही है। कैसे? जेजेपी कह रही है, जेजेपी कह रही है कि आप लोग आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, कांग्रेस कह रही है आप चिट्ठी लिख कर दीजिए। यही तो खेला है और समझिए खेला क्या है। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ चुकी है, 43 विधायक उनके पास है, 40 बीजेपी के, 2 आजाद, 1 खंडा, 43 है। बहुमत के लिए 45 चाहिए, या तो भारतीय जनता पार्टी कहे हमारे पास ये 45 है, झगड़ा खत्म। जब नहीं है तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यही पता कोनी मुख्यमंत्री सैनी साहब है या मनोहर लाल जी है। मनोहर लाल जी जो बात करते हैं एज ए मुख्यमंत्री, जब तक जेजेपी साथ नहीं आएगी तो बहुमत कैसे होगा? तो क्या कांग्रेस चली जाएगी जेजेपी के साथ? ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। आज क्या है, जेजेपी कहते हैं हमारे पास 10 विधायक, ठीक है। एक तो मैं कहता हूँ जिस प्रकार दुष्यंत जी का आज भी आरोप है सारे नेशनल पेपर में है, ये पैसे लेन देन का खरीद फरोख्त का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। बड़े शर्म की बात है हमारे विधायक तोड़ने में लगी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये जो बातें हैं, कल भी दुष्यंत जी का बयान था सभी अखबारों में, आज ठीक है। गुलिया जी का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। गुलिया जी क्या कुछ कहेंगे? हाँ बात पूरी करने दीजिए, आनंद जी की बात हुई, आज स्थिति क्या है? देखिए आज स्थिति तो यही है कि बहुमत का आंकड़ा गिना रहे हैं और आप लोग सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, बस फिलहाल तो यही चल रहा है। सर क्या कहेंगे गुलिया जी? बात समझने की है, लीडर ऑफ अपोजिशन सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नर महोदय को पत्र हमने लिख करके दे दिया। उसके बाद हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि अगर सरकार अल्पमत में क्योंकि संख्या बल से दिखाई दे रहा है तो सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। अगर उनके पास नेहा जी ने कहा कि आप लोग जो भी कदम उठाते हैं उसमें नुकसान जेजेपी का ही है, चाहे आप कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भी नुकसान जेजेपी का है। देखिए हम नुकसान फायदे की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग हरियाणा प्रदेश के विकास की राजनीति करते हैं और जो फैसले हम लोगों ने सत्ता में रहते हुए लिए, अगर कोई भी व्यक्ति उनको गलत बताता है चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे किसी और दल के लोग हैं, जो फैसले दुष्यंत जी ने लिए उन फैसलों पर आकर के हमसे चर्चा करें। ये फैसले ये आज नुकसान और फायदे की राजनीति नहीं, लेकिन ठीक है गुलिया जी आप भले इस चीज को मानिए या ना मानिए लेकिन विधायक तो आपके नाराज हैं, वो तो दिख जाता है, तो वैसे में फिर कैसे वो बहुमत साबित करेंगे विपक्ष मिलकर भी? विधायक नाराज है नहीं नाराज है ये तो फ्लो टेस्ट के बाद पता लगेगा रात्रि जी। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा। अमित जी क्या कुछ कहेंगे? आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना है सर। देखिए राशि मैं पहले ही कहता रहा हूँ इस बात को लेकर कि सदन के बाहर चाहे कितनी भी एकजुटता का दावा के बाहर चाहे कितनी भी एकजुटता का दावा कर लिया जाए, पहले तो विपक्ष को एकजुट होना ही बड़ा मुश्किल कार्य है और दूसरा सदन के अंदर क्या होगा और क्या राज्यपाल इन्हें इस फ्लोर टेस्ट के इजाजत देंगे? क्या कहेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए? ऐसा मुझे लगता नहीं है। और देखिए कांग्रेस भी मानसून सत्र का इंतजार कर रही है, उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। हाँ। और उससे पहले ही 4 जून का परिणाम आ जाएगा और करनाल विधानसभा उपचुनाव भी है, तो कांग्रेस के नेता भी सभी चीजें समझते हैं। हाँ। जानते हैं और साथ में खास बात यह भी है, देखिए 30 विधायक कांग्रेस के पास है, 10 विधायक जेजेपी के पास है, 1 अभय सिंह चौटाला है, 3 निर्दलीय और है, 4थे बलराज कुंडू भी है। तो ऐसे में इन सबकी एकजुटता के लिए अभी कोई भी दावा नहीं कर सकता। और साथ साथ एक और राष्ट्रीय पुराने अनुभव भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री और ओपोजिशन के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में भी
एक वोट के कारण उनका राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे अजय माकन, हाँ, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब वे एक वोट के लिए राज्यसभा में ही अपना उम्मीदवार जितवा कर नहीं भेज सकते, तो ऐसे में सरकार गिराना एक अलग बात है, और वो भी उन्हें फ्लोर टेस्ट का अवसर आएगा तब पता चलेगा उस समय जेजेपी की क्या स्थिति रहेगी, क्या वे उनके विधायक उनके साथ रहेंगे। देखिए पहले से ही 6 विधायक उनके नाराज चल रहे हैं। रामकरण काला की बात करें, हाँ, चाहे रामनिवास सुरजा खेड़ा है, जोगी राम सिहाग है, देवेंद्र बबली है, दादा गौतम है और ईश्वर सिंह है, वो साथ लग रहे हैं उनके सुर कभी कांग्रेस के साथ दोनों के मिले हुए रामकरण काला और ईश्वर सिंह के, और 4 अन्य जो विधायक हैं वो भाजपा के साथ उनकी भाषा मिली हुई लगती है। तो ऐसे में जेजेपी अपने विधायकों पर भी विश्वास नहीं कर सकती। जी राजश्री, चलिए ठीक है, अब इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन जो हरियाणा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि किसके आंकड़े सही हैं, किसके आंकड़े गलत हैं, और अंकगणित में कौन आगे है कौन पीछे है। जेजेपी के जो विधायक हैं वो मुलाकात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री से, उसके क्या कुछ मायने, वो सदन के बाहर ही समझ आएगा। या तो फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो सारी चीजें साफ होंगी।